लेके चलो इसको। क्या सोच रहे हो दानियाल? देखो, ये मैं तुम्हारी बेहतरी के लिए भी कह रही हूँ। तुम नहीं चाहते कि शादी के बाद तुम एक नई जिंदगी शुरू करो? A life that is maybe independent? तुम्हें जरा सा भी अंदाजा है कि तुम अपने बाप से क्या कह रहे हो? बाबा, मैं सिर्फ ये कह रहा हूँ कि क्या क्या कह रहे हैं आप? तो बड़े खुश हो रहे थे ना, जश्न मना रहे थे कि बेटा शादी करने के लिए तैयार हो गया है, लड़की भी ढूंढ ली है। देखा, मैं गलत तो नहीं कह रही थी ना? मामा, इस सारी बात का आयला से कोई ताल्लुक नहीं है, प्लीज। तो इसका मतलब ये तुम्हारा फैसला है कि शादी के बाद तुम हमसे अलग होना चाहते हो? अलग अलग होने की बात कौन कर रहा है बाबा? मैं बस ये चाहता हूँ कि तुम क्या चाहोगे, तुम कब से चाहने लगे? और ये जो अचानक तुम्हारे पर निकल आया ना, इसकी वजह मैं खूब अच्छी तरह समझता हूँ। मैं सिर्फ ये चाहता हूँ बाबा कि मैं एक इंडिपेंडेंट जिंदगी गुजारूं। कब तक एक इंसान अपने बाप के परों के नीचे जिंदगी गुजार सकता है? ये अचानक तुम्हें हो क्या गया है? I'm sorry. आज से पहले तुमने कभी भी मेरे सामने अपनी आवाज नहीं उठाई, तो इसका मतलब है तुम्हारी अम्मी ठीक कहती हैं। उस लड़की ने तुम्हें बिल्कुल चेंज कर दिया है। ऐसा बिल्कुल नहीं है। मैंने हमेशा वही किया है जो आपने मुझे कहा है। मैं दुनिया के सामने कमजोर ना रहूं, यही चाहते थे ना आप? दुनिया के सामने? अपने माँ बाप के सामने नहीं। बस सुन लो, अगर शादी के बाद तुमने अलग होने की बात की तो क्या आकर देंगे आप मुझे? तो ये धमकी तो आपने तब भी दी थी जब मैं शादी नहीं कर रहा था। दानियाल, मामा प्लीज। बाबा, ये मेरी जिंदगी है, ये मेरा फैसला है। अगर इस बात पे आप लोग मुझे पनिश करना चाहते हैं तो मुझे कोई एतराज नहीं है। एंड फॉर द लास्ट टाइम, शादी के बाद हम लोग अलग रहेंगे, उसके बाद आप लोगों ने जो करना है कंप्लीटली अप टू यू गाइस। देखा, ये सब उसी लड़की की वजह से हो रहा है। अब तो यकीन आ गया ना मेरी बात पे, आई वाजंट रॉन्ग। अगर ऐसी बात है तो वो लड़की अपनी जिंदगी की सबसे बड़ी गलती कर रही है। उसे पता ही नहीं कि वो किस खानदान में आने की कोशिश कर रही है।